अस्सलाम वालेकुम, जुलेखा के दुनिया में वेलकम है। देखिए, ये हमारा बोगनवेलिया का पौधा है। इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इसमें क्या फर्टिलाइज़र डालना है। देखिए ये फूल कितनी अच्छी हमारी फूल खिल रही है। ये पिंक कलर की है और इसमें देखिए ऑरेंज कलर की अभी हो रही है, फूल अभी हुई नहीं है। देखिए इस तरह से अभी होने जा रही है फूल। ये वाइट कलर का है, इसमें भी ठीक ठाक फूल खिल रही है। हमारे पास चार पौधा है, चार गमले में, तो इसमें मैं कुछ फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ, तो आप लोगों को बता देती हूँ क्या डाल रही हूँ मैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये फूल। दो तीन गमले में फूल खिली है, अभी दो ठो में नहीं खिली है, खिल कर झड़ गई है वो। देखिए ये गमले को थोड़ा गुड़ाई कर ले रही हूँ, इसकी मिट्टी को थोड़ा ढीली कर ले रही हूँ ताकि ऑक्सीजन आना जाना करेगी, और इसकी मिट्टी को गुड़ाई करके एक तरफ कर ले रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी। देखिए मैं क्या डालती हूँ, हमेशा मैं 15 दिन 20 दिन पे इसमें डालती रहती हूँ। देखिए मैं पहले 1 चम्मच इसमें केले का छिलका डाल रही हूँ। केले के छिलके में पोटास पाया जाता है, इसके फूल के लिए पोटास बहुत ज़रूरी है। ये कैल्शियम के लिए मैं डाल रही हूँ अंडे के छिलका, और इसमें मैं चाय पत्ती थोड़ा डालूँगी। सूखी हुई हमारी यूज की हुई चाय पत्ती है वो 1 चम्मच डाल दे रही हूँ, इससे भी फूल की कलर अच्छी आएगी। देखिए ये सब एक तरफ मैं डाल दी हूँ, दूसरी तरफ भी उसी तरह से मैं 1-1 चम्मच केले का छिलका और अंडे का छिलका और चाय पत्ती, ये मैं 3 चीज़ इसमें डालूँगी। इसी तरह मैं सभी पॉट में डालूँगी। देखिए ये गमले में भी थोड़ा गुड़ाई कर ले रही हूँ, ऐसे भी इसमें भी वही सब चीज़ मैं डालूँगी। देखिए इसकी जड़ नज़र आ रही है। साइड साइड से थोड़ा गुड़ाई कर लेना है ताकि साइड से इसमें मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी। देखिए इस तरह से केले के छिलका मैं डाल रही हूँ। देखिए इसी तरह मैं सभी ये है चाय पत्ती, इसी तरह चारों पॉट में मैं ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। देखिए अब बहुत अच्छे से हमारी फूल आती है। देखिए देखिए ये सब गमले में जो फूल आती है तो ये बहुत दिन तक टिकती है, उसमें फूल आकर गिर गई है, झड़ गई है, अब आएगी तो बहुत दिनों तक रहेगी फूल। देखिए इस तरह से मैं सभी में डाल दी हूँ फर्टिलाइज़र। अब इसमें मैं देखिए मैं क्या डाल रही हूँ। देखिए ये प्याज का छिलका है, इसे मैं कल रख दी थी पानी में, इसकी अरक इसमें निकल गई है। प्याज का छिलका कभी पानी में डाल दूंगी।
देखिए प्याज के छिलके में कार्बन होती है, सभी पौधे में थोड़ा थोड़ा मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा पानी डाल दूँगी। देखिए हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।